हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सतीश, आपको स्वागत है फैंटेसी विद शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं BHB वर्सेज SBC के बीच में होने वाला 9th T20 मैच के बारे में। लीग की बात करें दोस्तों, लीग का नाम है बायजूस असम T20 लीग है, और ये जो मैच है दोस्तों 8:30 बजे सवेरे खेला जाएंगे। और पिच की बात करें दोस्तों, बॉलिंग पिच है, एवरेज पर यहाँ पर 110 से 130 रन तक बन सकते हैं। वेन्यू की बात करें, अमेन गाँव क्रिकेट ग्राउंड गुवाहाटी इंडिया में खेला जाएंगे। उसके बाद अगर दोनों टीम की फॉर्म पर नज़र रखा जाए तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो भारत ब्रेवहार्ट्स ने यहाँ पर लास्ट 3 मैच में एक ही मैच हारे हैं, 2 मैच जीत गए हैं। दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर अगर वहीं यहाँ पर सुभनश्री शाम्स की बात करें, 2 मैच खेले, दोनों मैच हार गए हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर पॉइंट टेबल की बात करें तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर भारत ब्रेवहार्ट्स ने यहाँ पर 3 में से 2 मैच जीते, 1 मैच हार के सेकेंड पोजिशन पर, और सुभनश्री शाम्स यहाँ पर 2 में से दोनों मैच हार के 5th पोजिशन पर। तो यही यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मैंने एक्सप्लेन किया दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो मेन इन्फॉर्मेशन है, दोनों टीम की यहाँ पर प्ले स्टेट्स दूंगा आपको। यहाँ पर भारत ब्रेवहार्ट्स के विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर्स में कौन आएंगे पूरे डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। इसी प्रकार दोस्तों बेंच प्लेयर भी बताऊंगा। इसी प्रकार सुभनश्री शाम्स के विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर्स यहाँ पर कौन होने वाला है, ये सारा इन्फॉर्मेशन के साथ साथ बेंच प्लेइंग में यहाँ पर कौन सा प्लेयर ज़्यादा रहेगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन एकदम डिटेल से A to Z सब कुछ कवर करूँगा दोस्तों। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है दोस्तों। टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी पिन किया दोस्तों। कमेंट सेक्शन में जाके, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करना दोस्तों। टेलीग्राम चैनल पे लिंक करते डायरेक्ट मेरे चैनल पे आ जाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन A to Z सारा डिटेल्स आपको टेलीग्राम पे कवर किया जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा दोस्तों। A to Z सारा इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट्स मिलेंगे। इसी प्रकार रैंक विन टीम्स भी आपको मैं अपडेट हमेशा करता रहूँगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अगर बाई मिस्टेक लिंक ओपन नहीं होता है तो टेलीग्राम पर आपको जाना है, @शत्रुघ्न मेरे चैनल का नाम है दोस्तों। यहाँ पर शत्रुघ्न के साथ साथ 220 पर जाके टाइप कीजिएगा, @शत्रुघ्न 220 पर जाके सर्च करते दोस्तों आपको मेरे चैनल सर्च करते हैं आपको मेरे चैनल से हो जाएगा दोस्तों। यही मेरा चैनल है, 1100 प्लस यूजर्स मेरे चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन कुछ यूजर्स हैं मेरे नाम पे फेक चैनल बना रहे, आप उससे कितना दूर रहेंगे दोस्तों, वही मेरा आपको इतना फ़ायदा रहेगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहचानना तो यहाँ पर आपको यूट्यूब का लिंक और फाइनल टीम A to Z सारा अपडेट्स और यहाँ पर सब कुछ आपको इसी प्रकार मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब लेट नहीं करेंगे, इन्फॉर्मेशन को स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों यहाँ पर पहले हम लोग बात करते हैं भारत ब्रेवहार्ट्स की, BHB टीम की। तो यहाँ पर भारत ब्रेवहार्ट की बात करें, पहला जो विकेट कीपर है ऋषिकेश तमोली है दोस्तों। यहाँ पर अगर इनकी बात करें, सीजन में 5 रन, 19 रन, 1 रन बनाए, तो ओवरऑल देखा जाए तो 3 मैच में 25 रन है दोस्तों। यहाँ पर आयुष अग्रवाल की बात करें, यहाँ पर लास्ट 2 मैच तो नहीं खेले और 1 मैच में यहाँ पर देखा जाए तो प्लेइंग 11 में थे लेकिन मौका नहीं मिला। हाज का मतलब है दोस्तों प्लेइंग 11 में है लेकिन ना बैटिंग ना बॉलिंग कुछ मौका मिला। तो दोस्तों यहाँ पर ऋषिकेश तमोली का आप यहाँ पर विकेट कीपिंग में कन्फर्म कर सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों में कंपेयर करें तो। अब यहाँ पर बैट्समैन में बात करें दोस्तों, विप्लव साकिया अगर इनकी बात करें, लास्ट मैच में 2 रन बनाए। अगर ओवरऑल की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 3 मैच में 71 रन है। उसके बाद आते हैं दोस्तों यहाँ पर शुभम मंडल, 3 रन 2 रन 38 रन बनाए, लेकिन ओवरऑल बात करें सीजन में 3 मैच में 32 रन है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद आते हैं दोस्तों यहाँ पर राहुल हजारिका, 3 मैच में यहाँ पर 30, 25, 55 बनाए, 3 मैच में 110 रन है। संदीप पाल ने यहाँ पर लास्ट मैच नहीं खेला दोस्तों, 1 रन और 14 रन बनाए, 2 मैच में 15 रन है। तो यहाँ पर आपको मैं कौन कौन सा प्लेयर को यहाँ पर कंफर्म करने के लिए बोलूँगा, विप्लव साकिया दोस्तों यहाँ पर, उसके बाद राहुल हजारिका, इन दोनों बैट्समैन को कंफर्म कर लीजिएगा। अब यहाँ पर ऑलराउंडर्स की बात करें, सिद्धार्थ बरुआ है दोस्तों यहाँ पर, लास्ट मैच में 0 रन 0 विकेट है, 3 मैच में 2 विकेट है दोस्तों यहाँ पर। अभिजीत सिंह सिद्धू की बात करें, लास्ट मैच में 5 रन 3 विकेट है। अगर ओवरऑल की बात करें, 3 मैच में 14 रन 4 विकेट है। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक अभिजीत सिंह सिद्धू अच्छा स्टार्ट है दोस्तों यहाँ पर। करण महाजन की बात करें, लास्ट 2 मैच नहीं खेले तो आप इनको कैंसिल कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर आपको मैं एक ऑलराउंडर जरूर कंफर्म करने के लिए बोलूँगा दोस्तों, उसका नाम है यहाँ पर अभिजीत सिंह सिद्धू दोस्तों। आप इस प्लेयर को जरूर टीम में रखिएगा। अब उसके बाद यहाँ पर गेंदबाजी में दोस्तों यहाँ पर जीटू मणि कलिता है यहाँ पर, अगर इनकी बात करें, लास्ट मैच में 22 रन 4 विकेट है। पहला 2 मैच में तो फ्लॉप रहे लेकिन लास्ट मैच में कम बैक किए दोस्तों, 3 मैच में 25 रन 4 विकेट इनके पास है। तो इस मैच में जरूर ट्राई करूँगा दोस्तों यहाँ पर। धरणी रबा की बात करें, यहाँ पर लास्ट मैच में 5 रन 1 विकेट है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 3 मैच में दोस्तों यहाँ पर 20 रन और 6 विकेट है। तो इनको जरूर टीम में रखिएगा दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद आनंद शर्मा की बात करें, लास्ट मैच में 1 रन 1 विकेट है, तो ओवरऑल इस सीजन में 2 मैच में 1 रन 1 विकेट है, तो इनको मैं कैंसिल करूँगा दोस्तों यहाँ पर। टेका की बात करें, लास्ट मैच में 4 इनिंग में 8 विकेट है, और यहाँ पर देखा जाए तो लास्ट 2 मैच नहीं खेले दोस्तों यहाँ पर। सिद्धार्थ शर्मा की बात करें, यहाँ पर लास्ट मैच में 0 विकेट है दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो 2 मैच में 1 विकेट है। तो यहाँ पर आप किस किस को कंफर्म करना था दोस्तों, जीतू मणि कलिता को आप यहाँ पर अपने टीम में ले लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं धरणी रब्बा, इनको आप जरूर कन्फर्म कीजिएगा टीम में, ये जो प्लेयर है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर किसी को भी आप अवॉइड कर सकते हो। अब यहाँ पर बेंच प्लेयर में दोस्तों मोहम्मद कैफ है, अगर ये खेलेंगे तो आप ले लीजिएगा, 9 इनिंग्स में 88 रन, 6 इनिंग में 7 विकेट इनके पास है। तो
दोस्तों एक टीम के स्टार्ट देखने के बाद यहाँ पर आप शुभनश्री जैम्स की बात करेंगे तो विकेट कीपिंग में दोस्तों यहाँ पर सुमित गाडीगोंकर है, दो मैच के लिए 53 और 9 रन बनाए, दो मैच में 62 रन है, तो यहाँ पर विकेट कीपिंग में इनको भी आप पिक कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर बैट्समैन में साहिल जैन है, अगर इनकी बात करें लास्ट मैच में 27 रन बनाए, ओवरऑल की बात करें दो मैच में 95 रन एक विकेट है, तो इनको जरूर टीम में लूँगा दोस्तों। यहाँ पर विशाल शाह दो मैच में 11 रन 21 रन बनाए, दो मैच में 32 रन होता है दोस्तों, फिलहाल इनको मैं होल्ड में रख सकता हूँ। और विकास कुर्मी की बात करें 17 रन शून्य, दो मैच में 17 रन बनाए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बैट्समैन की बात करें साहिल जैन को आप टीम में ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर रिस्क में यहाँ पर विशाल शाह भी एक अच्छा पिक रह सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ऑलराउंडर्स की बात करें रवि छेत्री लास्ट मैच में कोई रन नहीं बनाए, यहाँ पर विक बॉलिंग भी नहीं किया दोस्तों, तो इनको आप कैंसिल कर दीजिएगा। यहाँ पर अब्दुल अजीज खुरासी की बात करें लास्ट मैच में 37 रन एक विकेट है, यहाँ पर दोनों मैच में बात करें 37 और लास्ट मैच में दो मैच मिला के 46 रन बनाए दोस्तों, यहाँ पर इसके साथ साथ एक विकेट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर विशाल रॉय की बात करें दो मैच में 25 रन कोई विकेट है, 15 रन बनाए, तो यहाँ पर अब्दुल अजीज खुरासी सबसे बेस्ट पिक रहने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी में यहाँ पर बात करें रंजित मल्ली है दोस्तों, यहाँ पर लास्ट मैच में 2 रन एक विकेट है, दो मैच में 2 रन दो विकेट है। और मुख्तार हुसैन की बात करें लास्ट मैच में 9 रन एक विकेट है दोस्तों, दो मैच में 9 रन एक विकेट है। उसके बाद यहाँ पर अभिनव चौधरी की बात करें दो मैच में 0 रन एक विकेट है। और रोहित रावनीवार की बात करें दोस्तों लास्ट मैच नहीं खेले, आकाश छेत्री की बात करें एक मैच में 1 रन एक विकेट है। तो यहाँ पर आपको मैं किस किस प्लेयर को कन्फर्म करना आपको बताऊँगा, यहाँ पर रंजित मल्ली को आप टीम में ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करें आप किसी भी प्लेयर को खास तो नज़र नहीं आ रहा दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आप मुख्तार हुसैन को ले लीजिएगा दोस्तों टीम में, ये प्लेयर एक अच्छा पिक रहेंगे। तो दोस्तों उसके बाद बेंच प्लेयर्स में बात करें यहाँ पर प्रोचेस बोरा है दोस्तों, तीन मैच में 49 रन एक विकेट है। अमल ज्योति दास की बात करें T20 में 122 रन बनाए, चार मैच में 61 की एवरेज है, दो इनिंग में कोई विकेट नहीं मिला। लिस्ट में पाँच मैच में 163 रन बनाए, 32 की एवरेज है, लेकिन विकेट कहीं पर नहीं मिला, लेकिन बैट्समैन है दोस्तों यहाँ पर प्रोचेस बोरा को आप ले सकते हो। अमल ज्योति दास अगर खेलते हैं तो सबसे बेस्ट पिक रहेंगे अमल ज्योति दास, आप इनको जरूर ले लीजिएगा, एक अच्छा बैट्समैन है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों टीम के स्टार्ट्स देखने के बाद आप यहाँ पर हम लोग फाइनल टीम बनाएंगे, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर फाइनल टीम बना लेते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों बहुत सारे मैचेस कल होने वाले हैं, तो सब कुछ यहाँ पर डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर विकेट कीपिंग में बात करें तम्बली गाडीगोंकर, तो यहाँ पर गाडीगोंकर को आप ले लीजिएगा। बैट्समैन में दोस्तों यहाँ पर सिद्धार्थ जैन है दोस्तों, यहाँ पर विप्लव साकिया, उसके बाद राहुल हजारिका, ये तीन बैट्समैन आपको काफ़ी है। और ऑलराउंडर्स में दोस्तों यहाँ पर आपको बात करें तो यहाँ पर आपको आजीज खुरासी है दोस्तों, यहाँ पर यश सिंह सिद्धू, और उसके बाद यहाँ पर एस बरुआ को ले सकते हो। गेंदबाजी में दोस्तों यहाँ पर डी रब्बा, उसके बाद आते हैं दोस्तों यहाँ पर जीतू मणि कलिता, इन दोनों को आप जरूर टीम में लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर रंजित मली, इन दोनों इन तीनों को आप अपने टीम में ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑलराउंडर्स पर एक्स्ट्रा ऑलराउंडर पर जा सकते हो यहाँ पर, लेकिन नहीं तो एक्स्ट्रा बैट्समैन को आप लेके जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर एस मंडल को आप ले सकते हो अपने टीम में, नहीं तो दोस्तों आप यहाँ पर दो विकेट कीपर तमोली को आप यहाँ पर पिक कर लीजिए, क्योंकि तमोली भी एक अच्छा बैट्समैन है। और यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें दोस्तों बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन यहाँ पर कैप्टन पर यहाँ पर आपको मैं दोस्तों यहाँ पर राहुल हजारिका बेस्ट पिक रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको मैं ए सिंह सिद्धू, उसका बदारानी रब्बा को यहाँ पर मैं कंफर्म करने के लिए बोलूँगा। तो दोस्तों एक बार टीम अच्छे से देख लीजिए, जो फाइनल टीम होगा दोस्तों आपको मैं टेलीग्राम पे दूंगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी पिन किया दोस्तों, आप वहाँ जाकर देख लेना। लेकिन फिलहाल इस टीम को सेव करके रखना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर फाइनल टीम फर्दर अपडेट आपको मैं टेलीग्राम पर कवर कर दूँगा। एंड बाय द वे मैं यहीं पर वीडियो को भी समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, इसके साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करना, क्योंकि फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा दोस्तों आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हो दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।